So this we are to prove that angle AOB is equal to COD. तो टू प्रूफ में आप क्या लिख लोगे, एंगल COD आप क्या लेंगे प्रूफ? COD और DOC? चलो ओके, अब AB इक्वल टू CD इज गिवन, देन OA इज इक्वल टू OC। मैंने 1 2 3 से मार्क कर दिए हैं ताकि फिगर देख के क्लियर हो जाए कि क्या चीज किसके इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसका रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंड दिस वन इज गिवन, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल अब यहाँ पे चाहे आप AOB के साथ DOC भी लिख सकते हो, क्योंकि इस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल बनेंगे। तो यहाँ इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंस का, चाहे आप AOB ले रहे हो, चाहे आप DOC ले रहे हो AOB के साथ, या COD ले रहे हो, O सेंटर में या O जहां पे भी ले रहे हो, क्योंकि O दोनों का सेम वाला ये वाला एंगल बन रहा है जो इक्वल हम शो कर रहे हैं। तो O दोनों में अगर फर्स्ट नंबर पे लिया है दोनों में फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे लिया है तो दोनों में सेकंड पे आएगा, थर्ड पे लिया है तो दोनों में थर्ड। जैसे यहाँ हमने सेकंड नंबर पे ओ लिया है तो दोनों में ओ सेकंड नंबर पे लेना है, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ए बी और सी डी की पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल्स आ गई आपकी कॉन्ग्रुएंट, सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू COD। सो इस चैप्टर में ये इकलौता प्रूफ है जो आपने करना, ठीक है? थ्योरम का इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, स्टेटमेंट गिवन होगी इसमें। स्टेटमेंट क्योंकि इस थ्योरम का कोई नेम नहीं है तो डायरेक्ट नहीं आएगा, उसमें आपको गिवन होगा प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एनी डाउट इन दिस? चलें अगले पे, अब क्वेश्चंस में आएंगे हम। एक बार इसके जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फटाफट बताओ मुझे, इसमें क्या क्या रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट वन तो यही हो गया, सेकंड इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? इफ एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। वो डिग्री मेजर थ्योरम है, उसका भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है, ठीक है? यस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और यस, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड सच दैट इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देन दैट ड्रॉन लाइन क्या है, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और रिजल्ट्स बताओ और क्या क्या है इनके। हाँ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है? प्रूफ नहीं आएंगे इनके, प्रूफ्स नहीं होंगे, प्रूफ सिर्फ यही करना है, बाकी सब मोटिवेशनल है, यानी कि बाकी सब पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो रिजल्ट्स आप डायरेक्ट यूज करोगे।
जैसे मान लो मुझे गिवन है किसी भी वे में कुछ भी गिवन है, ए बी लेट अस सपोज मुझे यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मुझे उन्होंने क्या कंडीशन दे दी है यहाँ पे, इसी में लेके चलते हैं कि जो सी डी का है परपेंडिकुलर गिवन है ओ एम, और सी डी की मुझे लेंथ निकालनी है, कंडीशन उन्होंने मुझे क्या दी हुई है कि यहाँ पे ओ पी जो है दैट इज इक्वल टू ओ एम। अब ए बी की लेंथ मुझे गिवन है, मुझे अगर रिजल्ट पता है दैट इक्वल कॉर्ड्स जो हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, या कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब ये ए बी और सी डी में ओ पी और ओ एम मुझे इक्वल गिवन है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट वो मुझे गिवन है सेंटर से, तो इट मीन्स दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। उधर से मुझे ए बी की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट आप सी डी की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस तरह से वैल्यूज निकालने के लिए यूज होगा, यानी कि उसको अप्लाई करेंगे हम, बट वो रिजल्ट का प्रूफ नहीं है, तो मतलब हम ऑलरेडी उसको प्रूवन स्टेटमेंट लेके चलेंगे। चलो पहला फिर ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बना लो। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड सी डी। तो सीधा हमने क्या किया यहाँ पे, रिजल्ट आप पहले लिखोगे, रिजल्ट मेंशन करोगे, cords which are equidistant from the center are equal, therefore AB is equal to CD. AB आपको कितनी given है 5, तो CD is also 5, ठीक है? cords equidistant from the center cords equidistant from the center R equal so this implies that AB is equal to CD. अब AB आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है तो CD is also 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हो गया नोट डाउन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, चेक कर लेना कि ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही है। हमें गिवन होता है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। एनसीईआरटी का ना, फिर स्टेटमेंट मत लिखो, डायरेक्ट हम इसको करेंगे, ये रेज कर दो। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब सर्कल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस दोनों के रेडियस सेम लेके चलेंगे। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ डैश ले लो इसको, और इधर से O dash D, O A equal to O B equal to O dash C equal to O dash D, A B equal to C D हमें given है, तो triangles congruent हो जाएंगी। Triangles congruent means angle A O B is equal to C O dash D, तो it means they are making same angle at the center। Given में क्या-क्या लिखोगे? Sir,
congruent circles with center O and O dash, or वो उसमें प्रूफ में लिख देंगे आगे. टू प्रूफ ठीक है, ओ डैश अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह कोई और लेटर यूज कर सकते हैं. चलो जी, प्रूफ सिंस पहले लिखो उसका. अच्छा चलो, इन ट्राइंगल प्रूव नहीं करना. प्रूव दैट का क्या मतलब है? रीजंस नॉट सेम सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल. देख नहीं रहा मैं क्या लिख रही हूं. आगे आगे भाग ले. क्या आया यहाँ पे? इन बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो बाय सीपीसीटी एंगल AOB इज इक्वल टू CO डैश D. नेक्स्ट, अब मैं जो प्रूफ वाले है ना वो एनसीईआरटी वाले ही ले रही हूँ, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इसमें जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने हैं वो वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले आने हैं. बाकी जो प्रूफ वाले हैं, प्रूफ दैट जैसे ये हमने किया, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर बुक. ज्योमेट्री जो है दैट विल बी फ्रॉम योर बुक. क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, तो उसमें विद एग्जांपल्स करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस सफिशिएंट बन रहे हैं. सर्कल्स में जहाँ पे फाइंड दिस एंगल ये गिवन है वो निकालना है, जहाँ पे आपका डिग्री मेजर थ्योरम लग रहा है, या जैसे इससे प्रीवियस वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, बेस्ड ऑन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं आपके. ठीक है, तो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एग्जाम्पलर जरूर करनी है आप लोगों ने अपनी. एग्जाम्पलर में भी काफी अच्छे लेवल के हैं क्वेश्चंस, तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी में भी हॉट्स लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके. वो हम देख लेंगे अपने आप. पैटर्न जो है, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू, ब्लूप्रिंट जो आपका बोर्ड की तरफ से है, द सेम विल बी फॉलोड. ठीक है, ब्लूप्रिंट इन द सेंस आपको जो मैंने आई थिंक एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें आपका सिलेबस था, उसी में आगे मेंशनड होता है कि अलजेब्रा इतने मार्क्स का है, ये ज्योमेट्री आपकी इतने मार्क्स की है, तो सेम पैटर्न जो है वो आपका फॉलो होगा उसमें. हाँ, चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी कि कंस्ट्रक्शन में से 3 का आ रहा है या 4 का आ रहा है, बट ओवरऑल ज्योमेट्री इतने मार्क्स की आ रही है वो आपको गिवन है. हाँ जी, क्या हो गया? अच्छा, इट्स ओके ओके. 6 चैप्टर्स आर देयर इन ऑल. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है हमारा बुक का ये भी. इन इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी. देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. हमें गिवन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ
हाँ जी, तो ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है दैट इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स दिस एट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज ए बी सी एंड डी, तो वी आर टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूव करना है। गिवन बताएंगे पहले, ऐसे मुझे कुछ नहीं समझ आता, एक एक करके बोलो फिर इकट्ठे। टू सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, नेक्स्ट बताओ जी, कोई और बताएगा आप? हाँ जी बता देते हैं, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जहां पे कॉन वर्ड आ गया, मींस दे आर रिलेटेड टू सम सेम थिंग, ठीक है, कंसेंट्रिक मींस सेम सेंटर, ठीक है, तो सेम सेंटर ओ ले लिया, पहले इससे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, अब इसका कंसेंट्रिक सर्कल मींस सर्कल सेम होगा, रेडियस विल बी डिफरेंट, तो दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा, जिनका सेंटर सेम है बट रेडियाई आर डिफरेंट, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी कि एक इस तरह से बनते हैं, ये सब सर्कल्स आपके कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक मींस हैविंग सेम सेंटर, ठीक है, एक तो गिवन हो गया टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है? इंटरसेक्ट बिगर सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट एंड स्मॉलर सर्कल अब मुझे इतना बताओ, स्टेटमेंट क्लियर है? क्या करना है हमने, जब तक वो समझ नहीं आएगा तो कैसे करना है वो भी समझ नहीं आएगा, क्लियर? चलो मेहर, विल यू ट्राई? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ईवा एक बार कंस्ट्रक्शन सुन लो फिर आप बताना। यस, हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ओ एम, बैठो, अब कंसेप्ट हमने यूज करना है, व्हेनेवर अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पहले छोटे वाले सर्कल को देखो, इस चैप्टर के लिए ना कलर्ड चॉक्स रख लेना क्लास में, फिर ज्यादा क्लैरिटी होती है, छोटे वाले सर्कल में देखो बीसी कॉर्ड बन रही है, बीसी कॉर्ड का ये परपेंडिकुलर हो गया बाइसेक्टर, तो इट मींस ओ एम जो है वो बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अब मेहर बताएगी अगर ओ एम बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या मिला, जिससे मैं पूछ रही हूँ सिर्फ वो बच्चा बोलेगा। हाँ जी ऊंची बोलो मुझे सुने, मैंने क्या कहा, सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अब यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स कौन से बन रहे हैं? यस, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, बीएम, सेकंड पार्ट क्या बन रहा है, एमसी, तो क्या लिखेंगे, बीएम इज इक्वल टू एमसी, अब सेकंड वाले में अब ए डी कॉर्ड है, ठीक है, ये पूरी कॉर्ड बन गई और सेम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो बड़े वाले के लिए कौन से दो पार्ट्स इक्वल होंगे, ये बड़ी कॉर्ड होगी, ये एम मिड पॉइंट हो गया इसका, तो कौन से दो पार्ट्स इक्वल हुए, हाँ ए एम इज इक्वल टू एम डी, ठीक है, क्लियर, तो पहले आप क्या लिखेंगे, बैठो बेटे बैठ जाओ, क्या क्या लिखें पहले, पहले कंस्ट्रक्शन लिखो, ड्रॉ ओ एम
हाँ एल लिख लो, वो ज्यादा भी इजी है। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। अब प्रूफ, बी सी इज द कॉर्ड एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। OM perpendicular to BC. You don't need to write down anything. Maths में जितनी written practice होएगी ना, I rectify my statement, both of you. फिर घर ही बैठो, स्कूल आने की क्या जरूरत है जब घर पे ही करने हैं तो। No need to come to school if you don't want to do anything. Anything else you want to say? और अब मैं नेम्स ले लेती हूँ और फिर लिंक शेयर करूंगी पेरेंट्स के साथ कि आई हैव पॉइंटेड आउट योर वर्ड्स, दे वर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन द मैथ्स पीरियड। और जब मैं ऐसे किसी बच्चे को पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो जो इधर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो लिख रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना टाइम का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना टाइम को, बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। So be attentive in the class. BC is chord of smaller circle and OM is perpendicular to BC. So isse mujhe kya result mila? BM is equal to MC. And what will be the reason? Perpendicular drawn from center to the chord. Bisects the chord. Bisects का मतलब ही in itself है कि it is dividing that into two equal parts. So BM equal to MC. अब मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया. Similarly, मैं सीधा लिख रही हूँ. मैं same reasons हैं क्योंकि AM is equal to MD. BM equal to MC को लो equation number one. AM equal to MD को लो equation number two. अब वापिस फिगर पे आओ, इतना लिख लो, इतना नोट डाउन कर लो. यस, अब देखो ये AM है, AM में से अगर मैं ये BM माइनस कर दूं, MD में से अगर मैं ये CM माइनस कर दूं, तो what I am left with AB and CD. ठीक है, तो यही चीज मुझे प्रूव करनी. सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू में से, तो ठीक है वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम टू का क्या मतलब है? फ्रॉम के बाद वाला हमेशा ऊपर आता है. चलिए इक्वेशन टू में से वन माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी. सो ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी. ए एम में से जब आपने बी एम सब्ट्रैक्ट की, वी आर लेफ्ट विद ए बी. एंड एम डी में से जब हमने एम सी सब्ट्रैक्ट किया, तो वी आर लेफ्ट विद सी डी. एंड हेंस प्रूव. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. हमें क्या गिवन है, दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैं, दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है, हमने उसकी लेंथ निकालनी है. पहला
पहले तो देखो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है, किसके बीच में डिस्टेंस गिवन है? 4 सेंटीमीटर। बुक खोल लो। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, ओ और ओ डैश ले लिया। अब पहले वाले का जो है आपका रेडियस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और जो दूसरे वाला का रेडियस है वो कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो पहले जब अगर मैं लेती हूँ 5 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे रखेंगे ये डिस्टेंस मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स जो 5 सेंटीमीटर मेरा डिस्टेंस बनेगा वो लाइन से बाहर आएगा, यानी कि जो सर्कल है वो लाइन दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा। सो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लो। और दूसरे वाला सर्कल जो है वो हमें कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला सर्कल का सेंटर हो गया, तो ये सम वॉट लाइक दिस बन गया। थोड़ा सा छोटा बनाना। क्लियर है फिगर? अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बना रही हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा बोर्ड इसी में भर गए हैं। सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये आपको बताया था, अदरवाइज हम फिगर ऐसे बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो जाएगा और ये हमारा सेकंड सर्कल। दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट वी आर टू फाइंड आउट? वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड आप इनकी यहां पे बनेगी। तो क्या करेंगे? क्या बनेगा? ये ए ये बी। चलो ये मुझे 5 गिवन है। पहले जो है हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है कि ये इसका डबल बनेगा। डोंट वी नीड टू शो दैट, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हो तो उससे मेरे पास सिर्फ ओ ए आया, जबकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये मुझे 4 गिवन है। ओ ए हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ओ ए निकाल रही हूं, मुझे ये शो करना पड़ेगा पहले कि ओ ए जो है वो ए बी का हाफ है, यानी कि ए बी इज डबल ऑफ ओ ए, यानी कि मुझे ये और ये डिस्टेंस इक्वल शो करना है। हाँ जी, अच्छा। चलो, पाइथागोरस से आपने क्या किया? वैल्यू फाइंड आउट की। कितनी आई वैल्यू? 3 आ गई, और 3 ही हमारा इसका रेडियस था, यानी कि ये जो है हमारा फिगर जो है, यानी कि कॉर्ड है वो इसके सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, कॉर्ड इसके सेंटर से पास कर रही है, मींस दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। वो भी ठीक है। और कोई मेथड? हाँ जी मिलन, कहाँ खोया हुआ है? कैसे करेंगे ये? चलो, इसका कोई और मेथड भी सोच के आना घर से। वी विल डिस्कस दिस टुमारो। नाउ यू कैन हैव योर लंच।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। ओके फाइन देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जस्ट वेट बच्चे, जस्ट वेट।